सिकंदर, यहाँ क्यों खड़े हो बेटी अकेले? बस ऐसे ही, बस सोच रहा था। और एसी में नहीं चलाया हुआ गर्मी में खड़े हुए? जी जरूरत ही नहीं लगी। अच्छा एमन तुम्हारे लिए कॉफी बना रही है, साथ में कुछ खाने को चाहिए तो भेजो। नहीं नथिंग, थैंक यू। एसी चला देती हूँ। थैंक यू। दुनिया का हर रिश्ता अपनी जगह, मगर माँ की तो बात ही कुछ और होती है ना? उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, थोड़ी सी शर्म तो आती होगी। जिस माँ को मेरी आंख का आंसू नहीं दिखा, उसके लिए जब ऐसा वास्ता ही नहीं तो शर्म कैसी? एमन, ये स्टडी लॉक है, इसकी चाबियां कहाँ हैं? मुझे क्या पता, मैं कोई डिटेक्टिव थोड़ी हूं जो हर चीज की खबर रखूं। एक तो तुम्हारे पास भी एक से पढ़ के एक उल्टा जवाब होता है। I want this door open. तो अगर पता नहीं है तो पता करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में तुम्हारे होने की वजह मिल जाएगी तुम्हें With complete permission. लेकिन तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। एमन, मैं पूरी जिंदगी इस घर में रहने वाला नहीं हूं, वैसे भी बोर हो गया हूं मैं। So, I have to go. पर जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं यहां से जा नहीं सकता। क्या यूं कहो कि जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक जा नहीं सकता। और एमन, मेरी जीत के रास्ते में जो भी आएगा ना, इनमें से कोई भी, तो उसे हटाने से पहले मैं एक पल के लिए भी सोचूंगा नहीं। फिर चाहे इस घर से किसी जवान लड़के की लाश निकले या किसी और की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रही हूं ना? यहां और डिटेल में समझाऊं तुम्हें तो